नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपके अपने चैनल अस्टडी विद राकेश में। आज डिस्कशन करने वाले इस सप्ताह का टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसका भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है 12 जून से, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ठीक है, क्वालिटी मत देखिए, वीडियो का कॉन्टेंट देखिए, यानी कॉन्टेंट किस टाइप का। अगर कॉन्टेंट बेटर है और आपको नंबर मिलता है तो वीडियो अच्छा है। मानते हैं वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन कंटेंट देखिए, यानी 100% आपको काम देगा आपका एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए 3, 6, 12, 15, 30, 33 एक सीरीज दिया हुआ, बोरा नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, माना नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बताइए। देखिए इसको किस टाइप से बनाना, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या क्या है, यानी देखिए इसमें क्या क्या, यानी प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 और इसको क्या कर दिया, डबल। फिर देखिए क्या क्या, प्लस 3 फिर इसको क्या कर दिया, डबल, ठीक है, दो गुना कर दे रहा, यानी एक में प्लस 3 कर रहा, दूसरा में क्या कर रहा, उसका डबल कर रहा। देखिए फिर प्लस 3 इसका डबल हो जाएगा, यानी 33 दुगने 66 कितना हो जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, नौ, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान दीजिए क्या बोल रहा। 3 है 7 है 16 है 32 है 98 93 का एक सीरीज है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा कौन सा असंगत है, यानी इसमें से कौन मेल नहीं खाएगा, कौन असंगत है। देखिए इसको किस टाइप से बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें से बोरा कौन सा गलत है वही चुनना है। तो सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रायः आपको देखा जा रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 में, जो 9 मई और 10 मई का एग्जाम हुआ उसमें भी था, यानी प्रीवियस ईयर का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए देखिए कैसे इसको बनाते हैं, देखिए तो सबसे पहले करना क्या, इसका डिफरेंट देखिए, ठीक है, इसको क्या करना, इसका डिफरेंट देखिए, इसका डिफरेंट कितना है ना, 4 है। देखिए इसका डिफरेंट कितना है ना, 9 है, ठीक है, इसका डिफरेंट देखिए कितना है ना, 16 है, कितना है, 16 है। इसका डिफरेंट देखिए तो कितना है ना, इसका अभी डिफरेंट 16 है, ठीक है। अब बताइए ये देखिए स्क्वायर के रूप में मतलब फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ रहा, जैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, उसी तरह आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, यानी 25 इसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐड तो कितना हो रहा, 16 ही ऐड हो रहा, यानी गलत कौन है, 58, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाना चाहिए ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, देखिए इसमें बोल रहा आकृति में कितने त्रिकोण है, देखिए चित्र देख रहा, इसमें बोल रहा कितने त्रिकोण है। अब देखिए अगर इसको अगर गिन के अगर आप बनाने जाइएगा तो पूरा दिन चला जाएगा गिनते गिनते, लेकिन गिनती ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तो इसको देखिए किस टाइप से बनाएंगे और बहुत आसान तरीका से किस टाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले काउंट कीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक काम कीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, बताइए 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21 ये कितना हो गया, 21, ठीक है। अब देखिए इस टाइप को आप कभी भी गिन के नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बना भी सकते हैं तो मतलब पूरा समय बर्बाद कर देगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसे बनाने से, ठीक है, यानी इस टाइप से बनाइए जो आपका समय भी बचेगा, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, यानी अधिक अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, अगर समय बचेगा तो अधिक अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए फिर देखिए इसको गिनिए, यहाँ से 1, 2, 3 कितना हो जाएगा बताइए, 3, 3, 6, ठीक है, फिर यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 कितना हो गया, 10। फिर देखिए यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, 6, ठीक है। अब देखिए इधर गिनिए 1, 2, 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा 6। आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यही आपका त्रिभुजों की संख्या हो गया, ठीक है, यानी 6, 3, 18, 10, 28 और 21 कितना हो जाएगा ना, 49, 49 ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, यानी दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया हुआ, x y z बराबर 216 होता है,
और आपको फिर दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड। देखिए इसका फॉर्मूला तो होता है ठीक है, लेकिन अहम टाइम पे आप फॉर्मूला भूल जाइए, तो फॉर्मूला से थोड़ा हट के बनाइए। फॉर्मूला तो सब ही बनाता है ठीक है, फॉर्मूला में अगर बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जाइएगा परीक्षा में फिर बोलेगा साला फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो भूल जाइएगा। यानी अहम टाइम पे फॉर्मूला, अहम टाइम पे फॉर्मूला भूल जाइएगा जब ज़रूरत पड़ेगा ठीक है। तो इसलिए बिना फॉर्मूला का इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए जहाँ इंटू है उसको करते हैं ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 216। तो 216 को आप लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 ठीक है। अब देखिए 6 × 6 × 6 को फिर तोड़िए, जितना बार टूटेगा उतना बार तोड़िए, जब तक नहीं मतलब बंद हो जाएगा टूटना तब तक तोड़ते रहिए ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, फिर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 ठीक है। अब एक काम कीजिए, देखिए आपको आपको इसको इस टाइप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 19 आ जाए, गुणा करने पर 216 आ जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए अब देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2 × 4 × 3 × 6 × 3 × 9। अब देखिए तो 6 × 4 = 10 और 9 कितना हो गया, 19, 6 × 4 = 24, 24 × 9 = 216 यानी गुना कर रहे तो 216 आ जा रहा, जोड़ रहे तो 19 आ जा रहा ठीक है। यानी एक्स वाई जेड का मान आपको मिल गया कितना, 4, 6, 9। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ पर भी बैठा के देख सकते हैं, बताइए एक्स का मान कितना हो गया 4, एक्स का मान कितना हो गया 4, वाई का मान 6 और जेड का मान कितना हो गया 9। अब देखिए अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ बैठा के देख लीजिए, देखिए यानी एक्स और वाई यानी 6 × 4 कितना हो गया 24 ठीक है, प्लस वाई जेड कितना हो गया, वाई जेड यानी 6 × 9 = 54 प्लस जेड एक्स, प्लस जेड एक्स यानी जेड एक्स 9 × 4 = 36। देखिए इसको जोड़िए, 6 × 4 = 10, 4 × 4 = 14 ठीक है, 5 × 3 = 8, 2 × 10 = 11 यानी 114। देखिए इसमें भी सेटिस्फाइड हो जा रहा, यानी एक्स वाई जेड का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी 4, 6, 9 में से कुछ भी ले सकते हैं। चाहिए आप अगर आप लेना चाहिए एक्स का मान 9 फिर भी चलेगा, वाई का मान 6, जेड का मान 4 सब चलेगा, मतलब 4 × 6 × 9 में आप कुछ भी लीजिएगा काम बन जाएगा ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, आप इसमें बैठा देते हैं। अब बताइए एक्स का मान कितना ले लिया हम, 4, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा बताइए, 64 प्लस वाई का क्यू यानी वाई कितना है 6, यानी 6 का क्यू कितना हो जाएगा बताइए, 216 प्लस जेड का क्यू यानी 9, 9 का क्यू कितना हो जाता है बताइए न, 729 कितना हो जाएगा, 729 प्लस एक्स वाई जेड 6 × 4 = 24, 24 × 9 = 216 कितना हो गया, 216। अब क्या कीजिए, 216 दुगने कितना हो गया बताइए, 216 दुगने 16 दुगने 32 400 यानी 432 हो गया, सबको जोड़ देते हैं ठीक है, और उसका क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आपका हो गया यानी 216 और 216 432 हो गया, फिर 729 हो गया, फिर 64 हो गया, 11 × 4 = 15 का 5 हाथ में रहा है, 2 × 6 = 9, 2 × 11 देखिए 9 × 2 = 11 × 4 = 15 का 5 हाथ में रहा 1 ठीक है, 6 × 3 = 9, 2 × 11 = 1, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 6 × 4 = 11, 11 = 12 यानी जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1225 ठीक है, 1225 का वर्गमूल कितना होता है ना 35 हो ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया ठीक है, कौन सीबीडी तथा कौन बी सी ई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, यदि कौन ए बराबर 72 डिग्री है तो कौन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा, एक त्रिभुज है ए बी सी ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया, ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया। ये देखिए ए बी
और ये देखिए ऐसी, इसको डी और ई तक बढ़ाया गया, डी और ई तक बढ़ाया गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, कौन सी बी डी, कौन सी बी डी और कौन बी सी ई, कौन बी सी ई माने ये कौन और ये कौन, ठीक है, के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, यानी इन दोनों को जो समद्विभाजित कर रहा वो कहाँ पर मिलता है ना, दोनों पी बिंदु पर मिलता है, दोनों किस बिंदु पर मिलता है ना, पी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो आपको बोला है कौन पी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कौन पी का मान ज्ञात करने कीजिए, देखिए इस कोण का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये बाह्य रूप से समद्विभाजित कर रहा, किस रूप में समद्विभाजित कर रहा, बाह्य रूप में समद्विभाजित कर रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी बाह्य रूप में जब समद्विभाजित करेगा तो क्या होता बताइए, देखिए ये कौन दिया हुआ, यानी कौन ए का मान आपका दिया हुआ कितना ना 72 दिया हुआ, ठीक है। बाह्य रूप से जब भी समद्विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस ऑफ ए बाय टू यानी थीटा बाय टू, 90 माइनस ऑफ थीटा बाय टू होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थीटा की जगह क्या है, ये देखिए ए है, ठीक है, तो इसलिए ए लिख लेते, ए लिख लिए, यानी 90 माइनस ऑफ 72 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 36, 90 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 54 डिग्री। और मान लेते यही क्वेश्चन अगर बोल देगा कि आंतरिक रूप से समद्विभाजित करता है, यानी आंतरिक रूप से मतलब यहाँ इस रूप से समद्विभाजित करता है, ठीक है, आंतरिक रूप से, तो क्या हो जाता, 90 प्लस थीटा बाय टू, 90 प्लस थीटा बाय टू इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये कोण निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी 12,000 रुपये की राशि पर एक पूर्ण एक बटा चार वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की अंतर ज्ञात कीजिए। और इसमें क्वेश्चन देखिए बता दिया है कि यदि ब्याज 5 माह में संयोजित होता है, यानी 5 माह में संयोजित होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 माह में संयोजित होगा, टाइम कितना दिया हुआ, उसका रेट कितना दिया हुआ, वो अगर निकल गया तो आप ये क्वेश्चन इजीली बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ यानी मूलधन दिया हुआ, पी दिया हुआ आपका कितना है, देखिए तो जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, ठीक है, पी दिया हुआ 12,000, ठीक है। अब देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, यानी 4 एकम 4 1 5 यानी 5 बटा 4, ठीक है। इसको मंथली में चेंज कर दीजिए, मंथली में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15 माह, कितना हो गया 15 माह, ठीक है। उसके बाद अब रेट, अब रेट निकालना है, यानी 15% वार्षिक ब्याज की दर से बोला, बताइए एक साल में कितना महीना होता है, यानी 12 महीना होता है, यानी 12 महीना में बोल रहा है, 12 माह में बोल रहा है कितना 12%, तो बताइए एक महीना में कितना हो जाएगा, एक महीना में कितना हो जाएगा 1%, तो उसी तरह बताइए 5 महीना में कितना हो जाएगा ना 5%, 5 महीना में कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। यानी 5 महीना में बोला है आपको रेट लेना है, यानी 5 महीना में, तो 5 महीना में कितना हो गया 5%, तो 5 महीना के गो है, 15 महीना यहाँ है, यानी 5 महीना के गो है 3 गो है, यानी एन का मान यहाँ कितना हो गया आपका 3, एन बराबर कितना हो गया 3, यानी एन बराबर 3 कहेंगे या तो टी बराबर 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला 3 महीना के लिए, यानी पी आर स्क्वायर बराबर 300 प्लस ऑफ आर बराबर डिफरेंट इंटू 100 का क्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है 3 महीना का फॉर्मूला, ध्यान दीजिए पी आर स्क्वायर 300 प्लस ऑफ आर बराबर डिफरेंट इंटू 100 का क्यू, ठीक है। अब बताइए पी का मान कितना है ना 12,000 है, देखिए आर का मान कितना है ना 5% निकल गया, यानी 5 5 25 गुना 300 प्लस ऑफ आर यानी 305, 100 का क्यू इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 बराबर डिफरेंट, ये आपको डिफरेंट निकालना है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी अंतर वही डिफरेंट होता है, तो बताइए इसको काट देते तो 0 1 0 25 4 100 4 3 12 5 2 10 5 36 5 1 5 3 1 3 6 18 2 यानी 2 9 18 2 1 2 2 5 10 यानी 91.5 रुपया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा, यदि 9 अंकों की संख्या यानी 43 x 11 45 y और 2 कोमा 88 से
अविभाज्य है। तो बोल रहा 3x माइनस ऑफ 2y का मान क्या होगा y के निम्नतम मान के लिए, यानी 3x माइनस ऑफ 2y का मान क्या होगा y के निम्नतम मान के लिए, यानी y का जो मान यहाँ लेना है ना, यानी एकदम निम्नतम मान। निम्नतम मान बोले तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4, ठीक है, एक ही बार में 8-9 नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए अब बताइएगा, यानी यहाँ देखिए 88 को बताइए लिख सकते हैं 11 गुना 8, ठीक है, 11 गुना 8 लिख सकते हैं, 88 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 8। अब बताइए क्या ये पूरी संख्या 8 से भागा जाएगा, तो बताइए आप डिविजिबिलिटी रूल अगर जानते हैं तो ये आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं बना सकते। बताइए 8 से कौन सी संख्या भाग जाती है, यानी जिसका लास्ट थ्री डिजिट 8 से भागा जाता है तो पूरी संख्या क्या होता है ना, 8 से भाग जाता है। तो बताइए लास्ट 3 डिजिट में देखते हैं हम y का मान अगर 0 लेते तो 502 तो 8 से भागा जाएगा ही नहीं, फिर 1 लेते यानी 8 से भागा चला जा रहा है, यानी जब भी y का मान यहाँ 1 ले रहे यानी 8 से क्या हो रहा है भाग जा रहा है, यानी देखिए y का मान हम कितना ले रहे 1, क्यों, क्योंकि 512 8 का तो क्यों होता है, यानी 8 से तो भाग जाएगा, यानी y का मान अगर हम 1 ले रहे तो क्या हो रहा है ये 8 से भागा जा रहा है, पूरी संख्या 8 से भागा जाएगा। अब हमको चेक करना 11 से इस संख्या भाग जाएगा ना नहीं जाएगा, तो 11 से चेक करने के लिए देखिए किस टाइप से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा 11 से चेक करने के लिए, यानी पहला संख्या लीजिए फिर तीसरा, ठीक है, एक को छोड़ के अब बताइए इनको जोड़िए, पहले 2 5 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया ना 12, यानी 12 और x यहाँ है, यानी 12 प्लस ऑफ x, ठीक है। अब क्या कीजिए इसको ले लीजिए नीचे वाला 3 और 1 4, चार और चार कितना हो गया 8, 8 और यहाँ देखिए y का मान कितना लिए 1, यानी 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यानी 11 से कौन सी संख्या भाग जाता है, यानी 11 से वही संख्या भाग जाएगा जिसमें यानी इन दोनों का डिफरेंट करके 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ठीक है, यानी 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वही संख्या क्या होगा 11 से भागा जाएगा। तो अब बताइए यहाँ कितना बैठाएंगे, बताइए यहाँ कितना बैठाएंगे कि इनको इनसे घटाएंगे तो आपका 11 आएगा, तो बताइए यहाँ अगर 8 बैठाते तो क्या हो रहा है 11 आ जा रहा, या तो 0 भी आना चाहिए, तो 0 तो आएगा नहीं, किसी भी हाल में 0 आएगा नहीं, माइनस तो बैठा नहीं सकते, माइनस बैठेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यानी 8 अगर बैठा रहे तो देखिए 8 और 12 कितना हो रहा है 20, 20 को अगर 9 से घटा रहे तो कितना हो जा रहा है 11, यानी एक्स का मान अगर हम 8 ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है इन दोनों को घटा के कितना आ रहा है ना 11, जो कि आपका 11 से पूरी भाग जाएगा। तब करना क्या, देखिए x का मान आपका मिल गया 8, y का मान कितना हो गया 1, तो बैठा दीजिए मान, यानी 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस ऑफ 2 बराबर 22, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 9A। बस थैंक यू आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।